अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां कांग्रेस विधायक महेश परमार ने एसडीएम के हाथ जोड़े। इतना ही नहीं, अफसर के पैरों में गिर गए वह लोगों की समस्या को लेकर उनके पास गुहार लगाने पहुंचे थे। दरअसल सिंहस्थ की जमीन पर प्रशासन ने लोगों के मकानों को हटाने का नोटिस दिया था। इन्हीं लोगों के साथ विधायक सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। विधायक ने अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। रहवासियों की मांग थी कि प्रशासन द्वारा 2 दिन में घर तोड़ने का दिया अल्टीमेटम वापस लिया जाए, गरीब लोगों को घर में रहने दिया जाए। इस दौरान रहवासियों का साथ देने कांग्रेस विधायक महेश परमार, कांग्रेस नेता विक्की यादव, सोनू शर्मा भी पहुंच गए। रहवासियों की बात सुनने के लिए जब एसडीएम कल्याणी पांडे पहुंचे तो विधायक महेश परमार ने गरीबों के घर नहीं उजाड़ने की मांग की। बात करते करते विधायक आक्रोशित हो गए। वे एसडीएम कल्याणी पांडे के हाथ जोड़ते हुए पैर पड़ने लगे। परमार ने कहा कि गरीबों को उनके घर में रहने दो। उन्होंने चेतावनी दी, या तो गरीबों को घर मिलेंगे या फिर यहां से उनके लाश जाएगी। उज्जैन में सिंहस्थ भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को नगर निगम ने रविवार को मकान खाली करने की आखिरी चेतावनी जारी की। इसके बाद सोमवार दोपहर गुलमोहर, श्रीराम नगर, सूरज नगर, मंगल कॉलोनी व ग्यारसी नगर, ज्ञान टेकरी, जय सिंहपुरा क्षेत्र के रहने वाले करीब 350 लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। नोटिस मिलने पर 24 नवंबर को भी रहवासी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। रविवार को एक बार फिर प्रशासन ने घर खाली करने की अंतिम चेतावनी देते हुए सभी कॉलोनियों के मुनादी कार्यवाही थी। इसके बाद रहवासियों का आक्रोश बढ़ गया। करीब 5 अलग अलग क्षेत्रों के रहवासी सोमवार को प्रशासन के मुनादी के खिलाफ आक्रोशित हो गए, कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान एसडीएम संतोष टैगोर और एसडीएम कल्याणी पांडे ने रहवासियों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। विधायक महेश परमार ने आरोप लगाया कि गरीबों के मकान तोड़े गए तो उन अफसरों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए जिन अफसरों की देखरेख में उन अवैध मकानों की रजिस्ट्री कर दी गई है। सिंहस्थ की जमीन के नाम पर जिस जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वहां किस संत का डेरा लगा था? क्या वहां पर सैटेलाइट टाउन बना था या फिर पार्किंग बनी थी? कांग्रेस नेता विक्की यादव ने बताया कि प्रशासन ने रहवासियों को 1 दिन की मोहलत दी है। अब मंगलवार को होने वाली कार्रवाई फिलहाल आगे बढ़ा दी गई है। वहीं रहवासियों की ओर से 10 लोगों की टीम बनाकर मामले में पक्ष रख कर कलेक्टर आशीष के साथ बैठक रखी है। आज इन लोगों ने, प्रशासन ने नोटिस भी अभी तो इन्होंने जारी नहीं किए है। सिर्फ कॉलोनाइजर को देखे आए, और लोगों को नहीं दिए। और कल अनाउंसमेंट करके गए कि मकान तोड़ दिए जाएंगे, खाली कर दो। तो ऐसे कैसे कर दे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इनकी समस्याएं जरूर सुनी गई हैं और एक जगह नोट करके हम कलेक्टर महोदय से इसको चर्चा भी करेंगे।